आपका अपना छात्र संघ द्वारा कॉलेज छात्रों से कास्ट एबोल्यूशन पर संवाद करने की प्रक्रिया दिल्ली में जारी है। शुक्रवार को दिल्ली के रोहिणी में स्थित विषम विकलांग एवं पुनर्वास केंद्र के बाहर छात्रों के साथ छात्र संघ की टीम संवाद करने पहुंची थी, परंतु यहां छात्रों की मौजूदगी नहीं देखी गई। इसकी वजह ये बताई गई कि छात्रों की क्लास चल रही थी, इसलिए छात्रों के साथ छात्र संघ की टीम यहां संवाद नहीं कर पाए। आपको बता दें कि टोटल खबरें लगातार छात्र संघ द्वारा चल रहा जाति उन्मूलन कानून की मांग का संवाद अभियान कवर कर रहे हैं और मौके पर मौजूद छात्रों से बात करते हैं, लेकिन जहां छात्र नहीं होते हैं या जहां छात्रों की क्लास चल रही होती है, वहां हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना छात्र संघ की टीम के सदस्यों से विशेष बात कर उनसे अन्य कॉलेजों में संवाद के दौरान छात्रों के साथ राय शुमारी के अनुभव को लेकर बात की जाती है, जिसमें वो बताते हैं कि कॉलेजों के बाहर जारी उनका संवाद किस तरीके से चल रहा है और छात्रों की क्या राय देखने को मिलती है। हालांकि मौके पर हमारे संवाददाता भी छात्रों से जाति व्यवस्था को लेकर विचार लेते हैं। आइए देखते इस विशेष रिपोर्ट में छात्र संघ की टीम के सदस्य मोहम्मद ताबिश ने उनका संवाद अभियान पर छात्रों की क्या रुझान है, इस पर उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, टोटल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका राजेश खन्ना। आपका अपना छात्र संघ जो है कि छात्रों के साथ जो संवाद करना जारी है, ये संवाद छात्रों का जो है कि जातीय अनुमूलन कानून की मांग को लेकर है। छात्र जो है कि इसमें क्या विचार रखते हैं, छात्र इस पर क्या कहना चाहते हैं, लगातार हम जो है कि इसको कवर करने में जुटे हुए हैं। और आज भी यहाँ पर हम जो है रोहिणी सेक्टर 9 के जो है कि यहाँ पर विजन विकलांग एंड पुनर्वास सेंटर पर यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पर हालांकि क्लास चल रही है और यहाँ पर जो है कि बच्चे अंदर है, और हमने जो है कि आपका अपना छात्र संघ के एक सदस्य, सक्रिय सदस्य से हमने बात करी है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से जो है कि इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं और ये अभियान से भी काफ़ी इससे जो है कि अफेक्टेड है। और हमने जो है कि बात करी है कि भी जब आप स्टूडेंट से मिलते हैं, स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि आपकी बात को समझ पाते हैं या नहीं समझ पा रहे हैं वगैरह, कि हाँ समझ रहे हैं और हमारी बात जो है कि स्टूडेंट जो है कि जाति उन्मूलन को लेकर समर्थन कर रहे हैं। और मैंने जब बात करी है, आइए देखते हैं कि उन्होंने जो है कि हमारे से बातचीत के दौरान क्या कहा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद ताबिश। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं अभी BA LLB फर्स्ट ईयर में हूँ। अच्छा, तो जाति व्यवस्था को लेकर आप क्या सोचते हैं? जाति व्यवस्था को लेकर ये जो है ख़त्म होनी चाहिए, इसको लेके ये कानून आना चाहिए। तो हम सब स्टूडेंट से जो बात करते हैं तो लोग बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं ऐसा होने चाहिए, क्योंकि कास्ट को लेकर ना बहुत वो होता है, इक्वलिटी मिलनी चाहिए सबको। अच्छा, जब आप बात करते हैं तो क्या क्वेश्चन रखते हैं उनसे? क्वेश्चन हम यही बोलते हैं कि कास्ट को लेकर कास्ट एक्ट आने चाहिए, कास्ट एबोलिशन क्या उनके कॉलेज में क्या होता है, तो अपने अपने ओपिनियन देते हैं लोग, मतलब स्टूडेंट, तो वो इसके उसमें रहते हैं सपोर्ट में। जो स्टूडेंट है वो समझते हैं कि ये जात पात वगैरह क्या है क्या नहीं, उनको समझ आता है इसका मतलब? हाँ, इसका समझाना पड़ता है उनको, बताते हैं तो वो समझ जाते हैं और वो बताते हैं फिर अपना ओपिनियन। तो स्टूडेंट तो जैसे हमने भी कई जगह बात करी, वो कहते हैं भी अब तो इतना वो मायने नहीं रखता जाती वाती, तो इसमें फिर क्या आपका सुनने को मिलता है? कुछ लोग तो बोलते हैं ऐसा, लेकिन ज़्यादातर तो सपोर्ट में ही रहते हैं लोग, बोलते हैं कि इसको लेके होता है अभी तो ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, अभी इतने दिनों से आप कर रहे हैं, क्या अनुभव आपको देखने को मिला स्टूडेंट का? हाँ, काफ़ी टाइम हो गया हमें, अब भी कर रहे हैं, अभी कुछ दिन का और बचा है तो उसको भी करना है, और लोग हैं मतलब सपोर्ट में इसके स्टूडेंट्स आ रहे हैं। कॉलेजों में जा चुके हैं अभी तक? अभी तक हमारे 50-60 कॉलेज हो चुके हैं इतना, अभी कुछ और रह गए हैं। तो वो कहीं पे आपको स्टूडेंट्स की कोई दिक्कत आई कोई का? नहीं, अभी तक तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा सा हो रहा है। मतलब आपकी जो बात का क्या समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं? उसके बाद क्या कहते हैं स्टूडेंट की जब आप समझाते हो तो? समझाते हैं स्टूडेंट को, बोलते हैं कि होना चाहिए ऐसा, बोलना है जब मतलब सब सपोर्ट में इसके रहेंगे तो हो सकता है ऐसा। अच्छा, मतलब आपकी बातों का समर्थन? हाँ, समर्थन कर रहे हैं। ऐसे कह रहे हैं कि इसके ऊपर कानून आना चाहिए? हाँ, कानून को लेके ही बोल रहे हैं। कई लोगों से बात करी, वो कहते हैं कि कानून की जरूरत नहीं है, वैसे भी जो है कि जातिवादी ऐसे खत्म हो ही रहा है आजकल समय तक, उसमें क्या कहते हैं? वैसे तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कानून आ जाएगा तो लोग इसको ज़्यादा मानेंगे। अच्छा, इसको ज़्यादा मानेंगे। हाँ।